हाय फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह आज आपके सामने ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। और आज हम ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। क्या होती है अक्षांश रेखाएं और क्या होती है देशांतर रेखाएँ, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और कितनी अक्षांश रेखाएँ हैं और कितनी देशांतर रेखाएँ हैं, कितनी हमारी अक्षांश रेखाएँ खींची गई हैं और कितनी हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है अक्षांश और क्या होती है देशांतर, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, एक होती है अक्षांश, एक हम लोग पढ़ते हैं देशांतर। ये पहले तो प्रश्न ये उठता है, ये खींची क्यों जाती, ये खींची क्यों गई है पृथ्वी पर। ये जो अक्षांश और देशांतर, ये हमारे अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे अक्षांश और देशांतर खींची इसलिए गई है जिससे हमें समय पता लगा सके। या अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो क्या इन्हीं अक्षांश और देशांतर के अनुसार पता लगा सकता है कि इतनी गोलार्ध पर, इतने अक्षांश पर ये बंदा स्थित है, इसे यहाँ से इस तरीके से मैपिंग द्वारा पकड़ा जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर ये एक काल्पनिक रेखाएँ हैं, ये दोनों आपको पता हो काल्पनिक रेखाएं। कुछ ऐसी मुख्य रेखाएं हैं जिन्हें हम लोग फोकस कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मकर रेखा, विषुवत रेखा और हमारी कर्क रेखा, ये कुछ मुख्य फोकस हमारी रेखाएं होती हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज ये अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग एक बात करें इस पृथ्वी को लेकर, अगर हम बात करें तो पृथ्वी के मध्य एक रेखा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा के मध्य से, उत्तर या दक्षिणी, क्योंकि हमारे इधर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जिसे इधर हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींचा गया कोई भी कोण विषुवत रेखा के समांतर हो जाता है। अगर हम मान लें ये हमारा मुख्य केंद्र है पृथ्वी का, और ये आपको पता होगा कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो प्रश्न ये है कि अक्षांश कहते किसे हैं। तो विषुवत रेखा के मध्य से खींचा गया कोई भी कोण विषुवत रेखा के समांतर हो जाता है, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं अगर हम देखें तो हमने ये अगर कोण आपका 30 मान लिया, कितना मान लिया 30 का मान लिया, तो इसी तरीके से हम आगे एक और खींचते कोण तो वो भी किसके समांतर हो जाएगा, विषुवत रेखा के समांतर हो जाएगा। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इसे हमने अगर 60 मान लिया तो इसी तरीके से हमारी अगर इन सारी रेखाओं को अगर हम खींच दें यहाँ पर, तो आप लोग बता सकते हैं ये कितनी रेखाएं खींची गई हैं। यहां से हमने 30 कोण माना, अगर यहीं से अगर हम कहा, अगर समझना चाहते हैं हम 1 डिग्री मान सकते थे, तो 1 डिग्री से लेकर यहां से हमने जो कोण खींचे वो कितने खींचे, 90। ठीक है, 90 तक चला गया हमारा। इधर अगर बात करें इसी तरीके से हमारे दक्षिण में था, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बताई, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींचा गया कोई भी कोण विषुवत रेखा के समांतर हो जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। तो ये सारी की सारी, अब इधर भी 90 हो गई, तो आपको पता हो गया कि 90 इधर है, 90 इधर है, तो अक्षांश रेखाएँ जो हैं वो काल्पनिक अक्षांश रेखाएँ हैं वो आपकी कितनी हो गई, अक्षांश रेखाएँ वो आपकी हो गई 180। कितनी हो गई, 180। ठीक है, एक तो 80 हो गई, लेकिन खींची कहाँ से गई थी, अगर हम विषुवत रेखा को भी जोड़ दें, ये भी न पृथ्वी की एक रेखा मानी जाती है, तो अगर विषुवत रेखा को जोड़ दें तो हमारी ये कितनी हो जाएंगी, 181 रेखाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 81 रेखाएं हो जाएंगी, 181 रेखाएं हो जाएंगी हमारी। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये जो हमारा 90 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा जो खींच रही है, 90 डिग्री पर जाकर अक्षांश रेखा खींच रही है, ये हमारे क्या है, 90 डिग्री पर जाकर ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये अक्षांश रेखा, ये तो हमारे ध्रुव हो गए, यहाँ पर तो रेखा होगी, तो हमारे ध्रुव मान लिए गए। जब ध्रुव मान लिए गए तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं
यहाँ पर 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, इन दोनों को हटा दिया जाए तो हमारी जो वास्तव में अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं कितनी निकल के आएंगी, 181 में से अगर हम दो माइनस कर दें तो कितनी निकल के आ जाएंगी, 179, कितनी निकल के आ जाएंगी, 179। कहने का मतलब है जो प्रॉपर तरीके से वास्तविक अगर हम लोग निकालने अक्षांश रेखाएं तो 179 निकल के आएंगी, लेकिन खींची कितनी गई है, वो 180 खींची गई है। प्रश्न यही आपसे पूछा जाता है, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांशी रेखाएं कितनी खींची गई, तो आपको 180 जवाब देना होगा। अगर आपसे उसमें प्रश्न बार जोड़ दिया है कि अक्षांशी रेखाओं के साथ साथ विषुवत रेखा को ऐड कर दिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो कितनी रेखाएँ होंगी, तो आप कहेंगे 181, ठीक है। दूसरा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि ध्रुवों को हटाकर अक्षांशी रेखाएं का विस्तार बताइए, तो आप कह सकते हो 179 हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बेसिक जानकारी, आगे बढ़ते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हम खींचते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन अक्षांशों के बीच एक डिग्री से दूसरे डिग्री पर, ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जो क्रमशः हमारे दूरी होती है वो क्रमांक दूरी कितनी मानी जाती है, तो आपको याद रखना होगा वो क्रमांक दूरी होती है आपकी 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये हमारा 111 किलोमीटर आपको याद ये भी रखना, ठीक है। ये हमारा एक छोटी सी बेसिक जानकारी होगी अक्षांश को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, ये प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने है कि दक्षिणी गोलार्ध को किससे नापा जाता है और हमारा उत्तरी गोलार्ध को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, किस तरीके से मापा जा सकता है, इसकी किसकी सहायता से नापा जाता है। तो आपको याद रखना होगा दक्षिणी गोलार्ध जो नापा जाता है वो आपका नापा जाता है सदर्न क्रॉस, ठीक है, सदर्न क्रॉस से नापा जाता है। और आपका उत्तरी गोलार्ध किससे नापा जाता है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध नापा जाता है 49 सेक्टेंट, ठीक है, सेक्टेंट। तो 49 सेक्टेंट के नाम से हमारा उत्तरी गोलार्ध की अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं और इधर हम दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांशी विस्तार को नापते हैं, ठीक है। ये आपका एक नया पॉइंट हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक अक्षांश और देश अक्षांश आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं देशांतरों को लेकर, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हम फिर एक हल्का सा मूव करते हैं पृथ्वी की तरफ, भागते हैं पृथ्वी को देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो उत्तर से एक और चीज आपको याद रखना होगा, अक्षांशी विस्तार जो होता है, अक्षांशों का आपसे पूछ दिया जाए कि अक्षांशी विस्तार किधर से किधर होता है, तो आपको याद रखना होगा ये अक्षांशी विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। किधर की तरफ होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, ठीक है, इतना भी आपको फैक्ट याद रखना। दूसरी अगर बात करें तो देशांतर की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण से खींची गई कोई चापीय रेखाएं या कोणीय रेखाएं ये हमारी क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये आपकी क्या कहला रही, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो इनकी दिशा कैसी होती है, इनकी दिशा आपको याद रखनी होगी, ये चलती है उत्तर से दक्षिण, इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोई भी चापीय कोण, या हम कह सकते हैं चापीय कोण जो हमारे विश्व उत्तर या दक्षिण रेखाओं को मिलाने का प्रयास करती है या गोलार्धों को मिलाने का प्रयास करती है, वो हमारी रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं कितनी खींची गई हैं पृथ्वी पर या काल्पनिक कितनी मानी गई हैं, तो आपको पता होगा, आपका थोड़ा सा मैथ में जानकारी होगी तो आपको पता होगा ये कितने का कोण का बनता है, ये 180 बनता है, कितने बनता है, 180। अगर इसी को हम पूरा इस तरीके से घुमा दें तो कितने का हो जाएगा, 360 का, कितने का हो जाएगा, 360 का। तो वही आकार है, इसको अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारा कितना होगा, 180, और पूरा अगर कवर कर दिया तो कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो कहने का मतलब हो गया हमारा देशांतरी विस्तार है वो कितना है, देशांतरी विस्तार कह सकते हैं हमारी जो देशांतरी के जो हमारे देशांतर की जो काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं वो कितनी है हमारी, 360, ठीक है।
यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि हमारी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना होगा कुल कितनी हमारी 360, ठीक 360। अब देखते हैं आगे कि अक्ष देशांतर की क्या क्या हमारी कंडीशन है वो देखते हैं। देशांतर को अगर हम बात करें तो एक शहर आप लोगों ने सुना होगा लंदन में, एक लंदन में एक शहर सुना होगा जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। कहां पर है ये? लंदन में, ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो मानी जाती है ये आपकी है 0 डिग्री। कितनी डिग्री? यहां से एक रेखा खींची गई नीचे की तरफ जो हमारी कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। अगर कभी आपको वर्ल्ड का मैप देखने को मिले तो उसमें आप देखना जब 0 डिग्री जहां से खींची होगी वहां पर ठीक 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? समय अनुभाग कितना हो रहा होगा? फिक्स एक टाइम हो रहा होगा 12, ठीक है। अभी हम बताएंगे किस तरीके से वहां पर किस तरीके से इधर बढ़ेंगे तो प्लस का होगा, इधर बढ़ेंगे माइनस का होगा, इधर बढ़ेंगे प्लस का होगा, किस तरीके। तो यहां से रेखा यहां तक जो हमारी स्थिति होगी वो हमारी कैसी होगी? एक 0 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार को लेकर होगी, ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा ग्रीनविच रेखा है इस ग्रीनविच रेखा को दूसरा नाम क्या देते हैं? तो आपको याद रखना होगा इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर। क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच रेखा से किस यंत्र द्वारा हम अपनी देशांतरी विस्तारों को या अपनी देशांतरी क्षेत्रों को पता लगाते हैं? कौन सा यंत्र होता है कि हम 0 डिग्री देशांतर से हम अपने किसी भी क्षेत्र का एक देशांतरी विस्तार समझ सकते हैं? तो आपको याद रखना होगा वो आपका यंत्र होगा क्रोनोमीटर। क्या होगा? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यंत्र के माध्यम से हम अपने देशांतरी विस्तारों को पता लगा सकते हैं कि हम हमारी देशांतरी विस्तार पर कौन कौन स्थित है, कहाँ पर कहाँ हम स्थित है, ये हम सटीक पता लगा सकते हैं। कहाँ से पता लगा सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य किधर से उदय होता है? पूरब से उदय होता है। किधर की तरफ से उदय होता है? पूरब की तरफ उससे उदय होता है। तो आपको जब पूरब की तरफ उदय होगा, हमने अगर पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से दिन और रात की स्थिति बड़ी या छोटी होती है, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरब की तरफ से निकल रहा है तो इधर पूरब की तरफ से निकलेगा, दिन इधर कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। दिन कैसे हो रहे? बड़े होंगे। तो जब दिन बड़े होंगे तो समय कैसा होगा यहाँ का? प्लस होगा। समय कैसा होगा? प्लस होगा। इधर कैसा हो जाएगा अपने आप में? माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस। कैसे होगा आपको अभी बता दें कि अगर आप वर्ल्ड का मैप अगर आपके पास रखा होगा तो आप देख रहे होंगे कि ठीक यहां पर 0 डिग्री अक्षांशी रेखा पर, 0 डिग्री देशांतरी रेखा पर कितना बज रहा होगा? यहां पर कितना बज रहा होगा? 12। अगर आप इधर की तरफ चलेंगे पूरब की तरफ तो आपका समय जो हो रहा प्लस में चल रहा होगा, 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। अगर आप इधर की तरफ चल रहे होंगे तो 11 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, ये स्थिति हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं हमारी? प्लस और माइनस। किसके कारण? सिर्फ सूर्य की अक्षांशी, सूर्य के पूरब से निकलने के कारण, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि जो हमारी देशांतरी रेखाएं हैं इन देशांतरी रेखाओं में भारत कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना होगा भारत हमारा यहां पर मान सकते हैं, ठीक है। भारत हमारा यहां पर है, ठीक है। भारत हमारा कहां पर है? यहां पर। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? आपको याद रखना होगा वो हमारा है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। एक प्रश्न और बनता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना होगा 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितनी दूरी कवर होती है? तो आपको दूरी भी लिखनी होगी, 111.32 किलोमीटर। याद रखना देशांतर की सिर्फ अक्षांशी कितनी है? 111 किलोमीटर, और देशांतरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। तो ये 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो पृथ्वी 4 मिनट का कैसे समय लगता है? पृथ्वी कितने घूमती है एक दिन में? 360 डिग्री घूम जाती है, 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे का हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 मिनट आएगा। पंद्रह डिग्री अक्षांश पे जाएगा जाके।
और 15 डिग्री अक्षांश पर जाने के बाद अगर हम इसे दिखाने तो हमारा एक मिनट के निकलेगा जाकर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से एक समझ सकते हैं कि 4 मिनट का समय लगता है, अभी इतना ज्यादा ध्यान मत दें कि 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, ठीक है। अब भारत कहां पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर, तो 82.5 डिग्री में अगर हम 4 का गुणा करें तो आपको यहां पर 328 मिलेंगे, आधा हो रहा है यहां पर आपका, तो इसको अगर आप आधे को अगर हम करें दो और जोड़ दे, 2 का 4 का आधा करें तो यहां पर 330 हो जाएगा, ठीक है। तो 330 को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। तो कहने का मतलब हो गया कि लंदन के ग्रीनविच रेखा से भारत का जो मानक समय है वो कितना माना गया है, कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे, कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे। भारत का मानक समय कहां पर खींचा गया है या भारत का मानक समय कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नैनी, कहां पे, इलाहाबाद में, ठीक है। तो यहां से आपका नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री अक्षांश विस्तार आपका देशांतरी विस्तार खींचा गया है, जो लंदन से क्या कहते हैं हमारे 5.5 घंटे आ गए हैं, ठीक है। तो ये है था हमारा हल्का सा देशांतर अक्षांश विस्तार के बारे में। आपको अगर इस पे कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिलहाल आपको कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा स्लो हल्के से आपको पढ़ा दिया गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, एक एक चीज आपको बता दी गई है किस तरीके से अक्षांशी रेखाएं हमारे समय का कम ज्यादा होता है और देशांतर रेखा की क्या क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो ये आप अगर नोट डाउन कर लेने तो आपको सही रहेगा, आप किस तरीके की दिशाएं भी नोट डाउन कर लेना, किस किस यंत्र द्वारा नापा जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपना सेशन यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे सौर मंडल को लेकर, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।